अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, हमने स्टार्ट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें कुछ हमने लेक्चर्स कर चुके हैं, अभी हम उसको फर्दर डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इंग्लिश में होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने वक्त हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू या डज। डू हम किसके साथ यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, ये आप याद कर लें। प्लस में जो है दो नाम या प्लूरल नेम्स हो उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? डू या लगा देंगे, ठीक है। और ही, शी, इट या सिंगुलर नाम, कोई भी अकेला नाम हो या ही, शी, इट हो, उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। अच्छा, जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल यूज़ करेंगे, सिंपल कोई भी सेंटेंस यूज़ करेंगे, इनके साथ जो भी होगा, जो उनका वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, एस या ई एस का इजाफा होता है। जब उसको हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करते हैं वो एस या ई एस यहाँ चला जाता है, यानी डू के आगे चला जाता है। अगर इनके साथ हम यूज़ करेंगे तो आप मेन वर्ब जो होगा उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यूज़ किया है, ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, he goes to school at 8 o'clock, यहाँ पर हमने ई एस का इजाफा किया है क्योंकि यहाँ पर हमने ही यूज़ किया है, यहाँ पर हमने ही यूज़ किया है, तो हमने एस और ई एस का इजाफा यूज़ किया, ये हमने इजाफा यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा क्या रहेगा, हमने सिंपल सेंटेंस यूज़ किए, इनके हम क्या करने हैं, सवाल बनाने हैं कि किस तरह इनका सवाल बनेगा। ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, वो 8 बजे स्कूल जाता है। अब इसका सवाल कैसे बनेगा, वो किस टाइम स्कूल जाता है या वो किस टाइम स्कूल जाता है, ठीक है। अब वो किस टाइम स्कूल जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे, किस टाइम के लिए हम यूज करते हैं व्हेन, व्हेन। अच्छा, जब भी हम डब्ल्यू एच वाले सवाल आप यूज करते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो टेंस यूज होता है। ये हमें मालूम है कि इसमें ही लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा लगा हुआ है, प्लस में ये ऑब्जेक्ट है। ये हमें पता चल गया कि ये बात कर रहा है जमान हाल की, जो कि बात कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। ये कह रहा है कि वो 8 बजे स्कूल जाता है, जाता है, ता है, ती है, ते हैं, जब भी आ जाए तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सिंधी में दो आहे, दियूं आहे, दा आहे, वो 8 वगे स्कूल वेंदो आहे, वेंदो आहे, जॾहिं दो अची वियो त समुझो तव्हां त इहा आहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक आहे। हाणे असां सवाल कयूं त हू काए वॻे स्कूल वेंदो आहे, वो किस टाइम स्कूल जाता है, वेन। अच्छा, हाणे ई एस आहे ते, यहाँ पर ई एस है यानी वर्ब के साथ ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे वाले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डज वाला यूज होगा, क्योंकि ये ही भी है और ई एस का इजाफा मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज में लग जाएगा, ठीक है। व्हेन डज, व्हेन डज, फिर ये सेम व्हेन डज ही, फिर यहाँ पर ये ई एस खत्म हो गई, यहाँ पर चली आ गई डो में आ गई, डो के साथ ई एस लग गई, डज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल क्या आया, गो, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, आखिर में सवाल या निशाना, आखिर में सवाल या निशान जरूर लगाएं वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वो किस टाइम स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल एट 8 o'clock, वो 8 बजे स्कूल जाता है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, अच्छा ये आपने सिंपल कोई भी सेंटेंस हो उसका सवाल आप किस तरह से बनाने हो, किस तरह से निकालने हो, तो आप इनको समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। अभी इसका दूसरा सवाल भी बना सकते हैं, क्या वो 8 बजे स्कूल जाता है, क्या वो 8 बजे स्कूल जाता है, तो इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या वो 8 बजे स्कूल जाता है, फिर इसका क्या करेंगे, डज, यहाँ से ये सवाल है और यहाँ पर ही है तो हमने पता है कि डज लगा लेंगे, डज, डज ही गो, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल एट 8 o'clock, क्या वो 8 बजे स्कूल जाता है, यस, क्या करेंगे, यस ही गोस, हाँ वो जाता है, यस ही गोस, डज ही गो टू स्कूल एट 8 o'clock, क्या वो 8 बजे स्कूल जाता है, हाँ वो जाता है, सिंपल जैसे बोलते हैं हाँ वो जाता है, हाँ वो 8 बजे स्कूल जाता है। अब दूसरा सेंटेंस है, ही गोस टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल बस के जरिए जाता है या वो स्कूल बस पे जाता है, बस के जरिए, जब बस के लिए यूज करते हैं बाय यूज करते हैं, ही गोस टू स्कूल बाय बस, वो बस के जरिए स्कूल जाता है। अब इसका सवाल कैसे बनाएंगे, वो स्कूल कैसे जाता है, वही सवाल ये वाला मेन वाला
ये हो गया वेन, यानी वो कब जाता है। अब ये स्कूल कैसे जाता है, हाउ आ जाएगा यहाँ पे, वेन कब हाउ कैसे, हाउ हाउ यहाँ पे ही है तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ही है तो हाउ डज ही गो। अब यहाँ का ईएस वाला जो था, ये हमने ईएस जो थी इसमें शिफ्ट कर दी, यहां पर आ गया, यहां पर इस ईएस खत्म हो गई। हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कैसे जाता है। हाउ डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल बाय बस, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो अपने पैरों के जरिए स्कूल जाता है या पैदल स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, ही गोज टू स्कूल बाय बस, ही गोज टू स्कूल बाय कार, वो कार के जरिए स्कूल जाता है, वो बस के जरिए स्कूल जाता है, वो पैदल स्कूल जाता है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं पाना जाता ही नहीं होता तो आई होता है, तो फिर हो जाता है आई गो टू स्कूल बाय बस, फिर ई एस खत्म हो जाता है, क्योंकि आई के साथ में बता दिया है डू होता है, अगर सिंपल होता है तो एस या एस का इजाफा नहीं होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल हम निकाल सकते हैं कि क्या वो स्कूल बस के जरिए जाता है या क्या वो स्कूल बस पे जाता है। क्या करेंगे इसको इंट्रोगेट बनाने वक्त, क्या कर देंगे, डज ही गो टू स्कूल बाय बस, क्या वो स्कूल बस के जरिए जाता है, यस ही गोस, हाँ वो जाता है, यस ही गोस। अब यस ही गोस का सवाल हमने बनाना है, तो ये बन जाएगा इसका सवाल, यस ही गोस का सवाल क्या बनेगा, डज यस ही गोस, डज ही गो टू स्कूल बाय बस, क्या वो स्कूल बस के जरिए जाता है, हाँ वो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग स्कूल की जगह पर कॉलेज कर लें, उसकी एग्जाम्पल मुख्तलिफ कर दें आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया गया है वो 8 बजे जाता है, 6 बजे जाता है, कर दें, क्या वो स्कूल 6 बजे जाता है, नो ही डजंट, नो ही डज नॉट गो टू स्कूल एट ओ क्लॉक, एट 6 o'clock, सो वेन डज ही गो टू स्कूल, तो वो किस टाइम स्कूल जाता है, वेन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल 8 बजे जाता है, वो स्कूल 7:30 बजे जाता है, वो स्कूल 8:30 बजे जाता है। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं, ये आपको अब आगे चल के बोलने में भी आसानी हो जाएगी, लिखने में भी। मेरी चीज ये है कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीजों को, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज्यादा लेक्चर करके, ज्यादा लेक्चर करने का मकसद यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इन चीजों को मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेकर आप लोग सवालों को हल करें। जहां पर मैंने बताया ही है, अब आप उसको शी कर दें, शी का बना दें। ठीक है, ये सिंपल सारे जुमले शी के साथ कर दें, फिर आप कर दें यू के साथ कर दें। अब यू जब यू यूज करेंगे, यहां पर अगर यू यूज कर रहे हैं यू वी इनमें से करेंगे तो गोल्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ गो आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा, स्कूल है सेम आ जाएगा, ये वाली चीज सारी सेम आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंजिंग आ जाएगी। इस तरह से कर रहे हैं वी यू दे भी इस तरह से आएगा, गो लगेगा, ई एस खत्म हो जाएगा। फेस के साथ करेंगे, इन तीनों के चारों के साथ कर दें, इन्हीं जुमलों के साथ, इसमें ऐसे ई एस का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, मुख्तलिफ वर्ब यूज करें और सवालात पैदा करें, जितने सवालात बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा। मैंने यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये चीजें जो है अक्सर औकात हम प्रैक्टिस तो करते हैं मगर वो बेसिक चीजों पे, मगर ये इन चीजों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बोलने की सलाहियत भी ज्यादा हो जाएगी और लिखने की सलाहियत और सवाल पैदा करें। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हमें सवाल करना नहीं आता है, सवाल करने के लिए क्या होगा, जो भी जवाब हो उसमें आप सवाल निकालें, जैसे मैंने ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये जैसे जवाब हमारे पास मौजूद है तो हमने ये सवाल निकाल लिया, ये हमारे पास जवाब मौजूद था तो हमने सवाल निकाल लिया, यानी हमारा फोकस है हाउ टू मेक द क्वेश्चंस। जब हमें क्वेश्चंस मालूम हो जाएंगे कैसे निकाले जाते हैं, फिर समझ में आ जाएगी बातें और हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे पेज पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट करें, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको रैंक देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।